पीपा क्षेत्रीय दर्जी समाज के एक बेटी की उसके अहमदाबाद स्थित ससुराल में दहेज को लेकर की गई हत्या पर समाज बंधुओं ने आक्रोश जताया है। दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर पीपा क्षेत्रीय समाज ब्यावर ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री गुजरात सरकार के नाम SDM को दिए गए ज्ञापन में समाज बंधुओं ने बताया कि ब्यावर निवासी नेमीचंद चौहान की दोहिती कुसुमलता की शादी 4 वर्ष पूर्व अहमदाबाद निवासी रमेश चंद के बेटे के साथ हुई थी। ज्ञापन ने बताया क्या कि शादी के बाद से ही कुसुमलता के पति तथा ससुराल वाले उसे दहेज के लिए तंग परेशान करते हुए मारपीट करते थे। इस बाबत कुसुमलता ने कई बार अपने परिजनों को भी जानकारी दी थी। ज्ञापन ने बताया क्या कि विगत दिनों कुसुमलता के ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बाबत कुसुमलता के परिजनों ने अहमदाबाद पुलिस थाने में ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। समाज बंधुओं ने दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में अशोक कुमार राखेचा, राधेश्याम चौहान, सत्यनारायण राखेचा, बाबूलाल सोलंकी, यशपाल सोलंकी, राम सिंह, राजेंद्र चौहान, रघु राठौर, गौतम सोलंकी, प्रेम जीवन चौहान, राजेश राखेचा, बजरंग लाल, रामनिवास तथा राहुल आदि शामिल थे। SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कारण, अहमदाबाद में हमारे समाज की बच्ची जिसका नाम कुसुमलता, उसके साथ दर्दनाक हादसा उसके ससुराल वालों ने किया, उसे आत्महत्या पर मजबूर कर दिया, जिसकी न्यायिक जांच चल रही है। इस हेतु कड़ी से कड़ी कार्यवाही मुख्यमंत्री गुजरात सरकार करे, इस हेतु उनके नाम से हमने ये ज्ञापन SDM साहब को सौंपेंगे। हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री गुजरात से कि ऐसे दहेज लोभियों को सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करके उन्हें सजा दिलाए, ताकि समाज में किसी अन्य बालिका के साथ इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हम उन्हें SDM साहब के द्वारा ये ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं।